हेलो स्टूडेंट, फास्ट वीडियो क्लास लें इंग्लिश मीडियम के लिए है। सब्जेक्ट है फिजिक्स, चैप्टर नंबर 14। आज का टॉपिक है एसी जनरेटर और एसी डायनामो। इससे प्रीवियस वीडियो में आपको जनरेटर के बारे में बताया गया। जनरेटर क्या है? एक डिवाइस होती है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। कौन से प्रिंसिपल की वजह से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से। हमने कल आपको बताया था, प्रीवियस वीडियो जो बनाई थी उसमें जनरेटर के बारे में बताया था ना। इट इज अ डिवाइस। जनरेटर क्या होता है? जनरेटर इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग देखिए, जो जनरेटर होता है वो टू टाइप्स के होते हैं। जनरेटर एक होता है एसी जनरेटर या फिर एसी डायनामो, दूसरा होता है डीसी जनरेटर या डीसी डायनामो। तो आज हम लोग बात करेंगे किसकी? एसी जनरेटर की या फिर एसी डायनामो की। ठीक है, चलिए तो आपको पता होना चाहिए जनरेटर के बारे में अच्छे से। आप जान ही गए होंगे कि अगर हम जनरेटर को क्या करेंगे, मैकेनिकल वर्क करेंगे यानी मैकेनिकल एनर्जी देंगे तो क्या करेगा, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, है ना, हमें बिजली मिल जाएगी, है कि नहीं। और ये काम किस पे करता है? एसी जनरेटर या डीसी जनरेटर जो भी होगा, जनरेटर कह लीजिए, जनरेटर किस पे काम करता है? तो कौन सा प्रिंसिपल है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आप जानते हो ना, आपको पता होगा कि अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी कॉइल को अगर हम घुमाते हैं तो क्या होता है, वहां पे फ्लक्स चेंज होता है। फ्लक्स चेंज होने की वजह से क्या होता है, उस कंडक्टर के अंदर, उस कॉइल के अंदर एक करंट इंड्यूस हो जाता है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आपको फैराडे के लॉ भी बताया था, फैराडे के टू लॉ थे ना, दोनों हमने आपको बता दिए। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक एसी जनरेटर है। तो एसी जनरेटर होता क्या है? वैसे तो आप जनरेटर जान ही गए हो, ऐसी डिवाइस जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, वही जनरेटर है। एसी जनरेटर, तो एसी जनरेटर को भी आप ऐसे ही बता सकते हो, एसी जनरेटर इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एसी करंट। जो एसी जनरेटर होगा वो भी क्या करेगा, वो भी जनरेटर की तरह ही मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि एसी जनरेटर अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर है। तो वहां पे जो करंट जनरेट होगा, जो करंट इंड्यूस होगा, कौन सा होगा? एसी करंट होगा। इसीलिए लास्ट में आप लगा दीजिएगा इन द फॉर्म ऑफ एसी करंट। एसी जनरेटर इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन द फॉर्म ऑफ एसी करंट। ठीक है ना, चलिए अब यहां पे देखिए, हमने लिख के भी रखा हुआ है प्रिंसिपल, क्योंकि आपको पता है जब भी आप मान लीजिए जनरेटर पढ़ रहे हो या मोटर पढ़ रहे हो, तो आपको क्या तीन स्टेजेस आपको पढ़ने होते हैं। पहला प्रिंसिपल, दूसरा कंस्ट्रक्शन और तीसरा वर्किंग। यानी जो एसी जनरेटर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो एसी जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है और वर्किंग क्या है, काम कैसे करता है, तो तीनों चीजें हमें बतानी होती है। ठीक है, तभी फुल मार्क्स मिलता है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल की। तो आपको तो पहले ही पता लग गया कि किस प्रिंसिपल पे काम करता है एसी जनरेटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। देखो हमने लिख के रखा है यहाँ पे, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू आर्मेचर कॉइल, अ करंट इज इंड्यूस्ड इन आर्मेचर कॉइल। आर्मेचर कॉइल की जगह आप कंडक्टर बोल दोगे तब भी चलेगा, आप कंडक्टर बोल देते हो आर्मेचर कॉइल की जगह तब भी चलेगा। ठीक है, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज, कहने का मतलब है कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मान लीजिए आर्मेचर कॉइल लगते हैं और आर्मेचर कॉइल को अगर घुमाते हैं तो क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा तो उस आर्मेचर कॉइल के अंदर क्या निकलेगा, क्या इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। वही यहां पे लिखा रखा है, व्हेन देयर इज अ व्हेन केवल देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हैं या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, कंडक्टर के रिस्पेक्ट में, यानी कि आर्मेचर कॉइल के रिस्पेक्ट में, क्या होगा, करंट इज इंड्यूस इन आर्मेचर, तो आर्मेचर कॉइल में क्या होगा, एक करंट इंड्यूस हो जाएगा। समझ रहे हो ना, हाँ, यही होता है प्रिंसिपल इसका एसी जनरेटर का। और यह है क्या, ये स्टेटमेंट लिखी है दो लाइन की है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की स्टेटमेंट तो है, और क्या, फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा, अगर फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होने का मतलब जानते हो ना, मान लीजिए कोई मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर हमने क्या किया, कोई कॉइल रख दी, कोई आर्मेचर कॉइल रख दिया, उसको हमने क्या किया, घुमाना शुरू किया, हमने क्या किया, घुमाना शुरू किया। जब यहाँ पे घुमाओगे तो देखो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे, जब ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो क्या होगा, ऐसे घूम रहा है, यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा अंदर जा रही है, यहाँ देखो सरफेस, देखो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, फिर घूम कैसे आया, यहाँ पे कब जा रही है कि नहीं, यानी फ्लक्स क्या हो रहा है, कंटिन्यू चेंज हो रहा है। तो फ्लक्स का चेंज होना बहुत जरूरी है, फ्लक्स का चेंज होना ही बहुत जरूरी है। फ्लक्स चेंज होगा तभी करंट इंड्यूस होगा, अगर चेंज नहीं होगा, फ्लक्स कॉन्स्टेंट रहेगा तो करंट इंड्यूस नहीं होगा। तो मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, फ्लक्स का चेंज होना,
ये जब घूमता रहता है तो कंटिन्यू मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा निकलती रहती है सरफेस से, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होता रहता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से ही इस आर्मेचर कॉइल में या इस कंडक्टर में करंट इंड्यूस होता है। क्लियर है ना? चलिए तो प्रिंसिपल हो गया। इसके बाद सेकेंड स्टेज क्या है आपका? कंस्ट्रक्शन। सेकेंड स्टेज है आपका कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन यानी कि जो आपका जनरेटर होता है, जो एसी जनरेटर, वो दिखता है कैसा, उसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, उसमें कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं, ये सारी चीजें। तो चलिए हमारे साथ साथ आप भी बताते चलिए। बिल्कुल सिंपल सा है। कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? फील्ड मैग्नेट का यूज करेंगे। अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड बनानी है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या करेंगे? मैग्नेट का यूज करेंगे। चलिए मैग्नेट बनाइए सबसे पहले, या तो रेक्टेंगल बनाइए आप, जैसे हमने बनाया है, ये हमने बना दिया, देखो ये बना दिया हमने मैग्नेट, यहां बना दिया, यहां पे भी बना दे रहे, ये बना दिया, देख रहे हैं यहां बन गया, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड आपको पता ही, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे जाती है? नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से निकलती है साउथ में एंटर हो जाती है, ठीक है। ये बन गया हमने, क्या बनाया हमने? फील्ड मैग्नेट बनाया, या कह सकते हो आप मैग्नेट से। अब इसके बाद इसमें क्या होगा, हम बनाएंगे क्या? आर्मेचर कॉइल। क्या बनाएंगे? आर्मेचर कॉइल। चलिए आर्मेचर कॉइल बना लेते हैं, आर्मेचर कॉइल बना लेते हैं। ये क्या बना रहे हैं? आर्मेचर कॉइल। इसके अंदर भी एक ऐसे छोटा सा रेक्टेंगल बना लेंगे। छोटा वाला रेक्टेंगल जो है वो क्या है? वो सॉफ्ट आयरन कोर है। क्या है? सॉफ्ट आयरन कोर। ये बना, ठीक है। चलिए ये पहले इसको बना लेते हैं, इसको बना लेंगे थोड़ा सा, और देखिए देख रहे हैं ऐसे आप भी बनाते चलिए। अभी अभी नाम इसके लेबल कर देंगे, सारे नाम पहले भी बना लीजिए, ये बनाते चले जा रहे हैं, ये बनाए। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक स्लिप रिंग लगा देते हैं, जैसे सर्कल की तरह स्लिप रिंग लगा देंगे, ठीक है। और बड़ा सा आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। देखिए ये लगा दिया, ठीक। इसके बाद ये वाला आर्मेचर का जो दूसरा एंड है वो क्या होगा? इसके पीछे से आएगा, इसे यहाँ पे डॉट डॉट दिखा दे, इसके पीछे से आएगा, यहाँ इधर की तरफ निकलेगा, है ना, पीछे से आके इधर की तरफ निकल जाएगा, देख रहे हो। तो यहाँ पे भी एक रिंग लगी होगी, यहाँ पे भी एक रिंग लगी होगी, दोनों रिंग जो लगी है बेटा वो सेम साइज की है, यहाँ छोटा बड़ा हो गया लेकिन आप सेम साइज की बनाइएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया, इसको ले लेंगे यहाँ पे, देख रहे हो, अजय हाथ से बना दे रहे हैं, ये आपको पता है क्या है? ये कार्बन ब्रश है, ये क्या है? कार्बन ब्रश। एक यहाँ पे लगा दे रहे हैं, एक यहाँ पर भी लगा दे रहे हैं, ये क्या है? कार्बन ब्रश। कार्बन ब्रश जो है तैयार में लगा हुआ, ठीक है। इसको क्या कर रहे हैं? इसी लोड से हम इसको जोड़ दे रहे हैं, इसी लोड से हम क्या कर रहे हैं? इसको जोड़ दे रहे हैं। यहाँ पे आप कोई लोड लगा दीजिए, बल्ब लगा दीजिए, कैलोरीमीटर लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए। चलिए हम लगा दे रहे हैं कैलोरीमीटर, देख रहे हैं। चलिए ये आपका डायग्राम बन गया, क्या है? एसी जनरेटर। ऐसे ही बेटा आपको कोर्स कॉपी में बनाना है, एग्जाम में भी ऐसे ही बनाना है, ठीक है। चलिए अब इसके हम नाम हम लिख देंगे, ये ए बी सी डी। ए बी सी डी क्या है? तो आर्मेचर कॉइल आपको पता ही है, और अंदर जो है रेक्टेंगुलर पोर्शन, ये क्या है? ये तो सॉफ्ट आयरन कोर है, सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर हमने इंसुलेटेड कॉपर वायर लपेट दिया, तो क्या कहलाएगा? आर्मेचर कॉइल कहलाएगा। हम लिख भी दे रहे हैं, ये हम लिख दे रहे हैं, ये क्या है? सॉफ्ट आयरन कोर। और ये एबीसीडी क्या है? आर्मेचर कॉइल, आर्मेचर कॉइल, ठीक है। और क्या है? ये नॉर्थ पोल साउथ पोल ये दिख रहा है, क्या है? तो मैग्नेट है, फील्ड मैग्नेट। यहां पे क्या क्या है? फील्ड मैग्नेट, ठीक। और क्या लगा हुआ है? स्लिप रिंग लगी हुई, इसको बोलेंगे एस वन, इस वाले को बोलेंगे एस टू, और ये कार्बन ब्रश है, ये बी वन और ये वाला बी टू, देख रहे हैं। यहां पे लगा दिया स्लिप रिंग। डीसी मोटर में कौन सी रिंग लगी हुई थी? स्प्लिट रिंग, यहां पे स्लिप रिंग, ठीक है। और क्या लगा हुआ है?
इसके बाद ब्रशेस भी है, ब्रशेस ब्रशेस कौन कौन से, बी वन बी टू स्लिपिंग क्या है, स्लिपिंग्स एस वन एस टू, देखिए ये आपका डायग्राम कंप्लीट हो गया। यानी एसी जनरेटर में कितने पार्ट होते हैं, आर्मेचर कॉइल, फील्ड मैग्नेट, स्लिप रिंग्स, ब्रशेस, ठीक है, चार मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंपोनेंट लगे होते हैं, ठीक है ना। चलिए ये तो आपका डायग्राम कंप्लीट हो गया, ऐसे आप ये बना लीजिएगा। ये क्या है, ये गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर क्या करता है, करंट को डिटेक्ट करता है, करंट बना कि नहीं बना, करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा किसी सर्किट में, तो क्या कराएंगे लोग, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर यहाँ पे गैल्वेनोमीटर की जगह आप लोड भी लगा सकते हैं, कोई सा भी लोड लगा सकते हैं, बल्ब लगा दीजिए ताकि बिजली अगर पैदा हो, बिजली अगर जनरेट हो यहाँ पे तो हमें पता लग जाए, ठीक है। इसके लिए वो लोड कुछ भी हो सकता है, गैल्वेनोमीटर लगाओ, बल्ब लगाओ, कुछ भी लगा, ठीक है। चलिए ये डायग्राम आपका कंप्लीट हो गया, ठीक। अब इसके बाद कंस्ट्रक्शन भी हो गया, सारी चीजें यहाँ पे देखिए बता दीजिए क्या क्या है। ये क्या है, फील्ड मैग्नेट है, एबीसीडी क्या है, आर्मेचर कॉइल है, पूछा ये छोटा वाला क्या है, रेक्टेंगल बनाइए, तो सॉफ्ट आयरन बोलो, तो सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर इंसुलेटेड कॉपर वायर लपेटा गया है, उसको हम क्या बोलेंगे, आर्मेचर कॉइल बोलेंगे, ठीक है, उसको अलग से मेंशन करिए या ना करिए, सही। उसके बाद ये बी वन बी टू कार्बन के ब्रशेस लगे हुए हैं, एस वन एस टू स्लिप रिंग्स लगी हुई है, है ना। स्लिप रिंग्स देखो, एस वन जो है वो आर्मेचर के एक एंड से कनेक्टेड है, और स्लिप रिंग्स एस टू जो है वो आर्मेचर के दूसरे वाले एंड से कनेक्टेड है, देख रहे हो ना। हाँ, अब उसके बाद यहाँ देखो आर्मेचर कॉइल, आर्मेचर कॉइल तो आपको पता लग गया, किसी भी सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर इंसुलेटेड कॉपर वायर को लपेट दिया गया तो क्या कहलाएगी, आर्मेचर कॉइल, ठीक है। चलिए आर्मेचर कॉइल क्या होगी, इसमें आर्मेचर कॉइल की इसमें घूमेगी, उसको आर्मेचर कॉइल होगी, इसमें घुमाएगी, ठीक है। और यहाँ पे ये नॉर्थ पोल साउथ पोल ये क्या है, ये तो फील्ड मैग्नेट है, फील्ड मैग्नेट क्यों लगाया गया, मैग्नेटिक फील्ड के लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ताकि हमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे मिल सके इसके लिए। उसके बाद एस वन एस टू स्लिप रिंग्स क्यों लगाई गई है, इसको भी बता देना, यहाँ पे देखो हम लिखते हैं स्लिप रिंग्स, स्लिप रिंग्स यहाँ पे क्यों लगी है, लिखते हैं कॉन्टेक्ट टू मेंटेन, यहाँ से देखिए स्लिप रिंग्स यहाँ पे, यही क्या बना था, स्लिप रिंग्स क्यों लगी हुई, देखो ये देखो यहाँ देख लो, चाहे वहां पे देख लो, स्लिप रिंग्स क्यों लगी हुई, टू मेंटेन द कॉन्टेक्ट बिटवीन आर्मेचर कॉइल एंड ब्रशेस, टू मेंटेन द कॉन्टेक्ट, टू मेंटेन द कॉन्टेक्ट बिटवीन आर्मेचर कॉइल और ब्रश के बीच कॉन्टेक्ट को मेंटेन करने के लिए, वही हमने लिख दिया, टू मेंटेन द कॉन्टेक्ट बिटवीन आर्मेचर कॉइल एंड ब्रश। ब्रश का नाम, ब्रश की बात करें, ब्रश क्यों लगाया गया, यहाँ ब्रशेस क्यों लगे हैं, कार्बन के ब्रश है, कौन से ब्रश है, कार्बन यानी ग्रेफाइट के बने हुए ब्रश, ये क्यों लगे हुए हैं, तो यहाँ पे देखिए अगर ब्रश की बात करें तो ब्रश क्या कर रहा है, एक्सटर्नल सर्किट और स्लिप रिंग्स के बीच कॉन्टेक्ट मेंटेन कर रहा है, देख सकते हैं ये ब्रश का काम होता है, टू मेंटेन, टू मेंटेन द कॉन्टेक्ट बिटवीन, टू मेंटेन कॉन्टेक्ट बिटवीन, इसके किसके बीच में, एक्सटर्नल सर्किट और स्लिप रिंग्स, बिटवीन स्लिप रिंग्स, बिटवीन स्लिप रिंग्स एंड एक्सटर्नल सर्किट, ठीक आपको पता लग गया, ठीक है ना। अब देखो यहां पे अगर हम आर्मेचर कॉइल घुमाते हैं, जब ये आर्मेचर कॉइल एबीसीडी को लगा है यहां पे, चलो हम देखो एक्सिस भी बना ले रहे हैं ताकि पता लगे हम कैसे घुमाते हैं, ये एक्सिस बना ले रहे हैं ऐसे ऐसे ऐसे, हम एक्सिस ऐसे घुमा ले रहे हैं, ये देखिए ऐसे करते हैं। अब यहाँ से यहाँ देखो, ये मान लीजिए यहाँ पे शॉक लगा हुआ है, एक हैंडल लगा हुआ है, इससे हम क्या करेंगे, आर्मेचर कॉइल को ऐसे घुमाएंगे, अब घुमाने का डायरेक्शन भी आपको बता दे रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है कैसा, एंटी क्लॉकवाइज, तो जब भी हम आर्मेचर को क्या करेंगे, जब भी घुमाएंगे तो जो इससे इसके साथ स्लिप रिंग्स कनेक्टेड है S1 S2, वो भी क्या होती है, अपने एक्सिस के अराउंड
घूमती है अपने एक्सिस के अराउंड मूव होती है, जब आर्मेचर कॉइल घूमता है तो स्लिप रिंग्स H1 H2 भी के बीच से क्या है अटैच है, तो वो भी क्या होती है अपने एक्सिस के अराउंड वो भी घूमती है और कंटिन्यूसली ब्रशेस से कनेक्ट रहती है, और कंटिन्यूसली कह सकते हो ब्रशेस के कॉन्टेक्ट में रहती है, स्लिप रिंग्स घूमती भी रहेगी और कंटिन्यूसली ब्रश B1 B2 के कॉन्टेक्ट में भी रहेगी, ठीक है ना। यदि आर्मेचर कॉइल घूमेगा तो स्लिप रिंग्स H1 H2 भी अपने एक्सिस के अराउंड घूमेगी और कंटिन्यूसली ब्रशेस B1 B2 के कॉन्टेक्ट में रहेंगी, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद अच्छा आपको मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा ब्रशेस क्यों लगे हुए हैं, डायरेक्टली क्या करते हैं उनको जोड़ दिया जाता आर्मेचर कॉइल से, डायरेक्ट जोड़ दिया जाता तो जब हम आर्मेचर कॉइल को घुमाते तो क्या होता है यहाँ पे जो वायर लगा हुआ ये क्या होता उलझ जाता और कॉन्टेक्ट हो सकता है टूट जाता, तो कॉन्टेक्ट को टूटने से बचाने के लिए हमने क्या यूज किया ब्रशेस का यूज किया, ठीक है ना। और ब्रशेस का काम ये भी होता है कि हमें जब आर्मेचर कॉइल में जब करंट इंड्यूस होगा तो ब्रश क्या करेगा उसको एक्सटर्नल सर्किट में प्रोवाइड करेगा, मतलब उसको सप्लाई करेगा। आर्मेचर कॉइल में जो करंट इंड्यूस होगा उसको क्या करेगा ब्रश एक्सटर्नल सर्किट में सप्लाई करेगा, ये भी ब्रश का काम है। अब कॉन्टेक्ट सर्किट के अंदर भी ब्रश का काम है, ठीक है। ऐसे स्लिप रिंग भी क्या करती है कॉन्टेक्ट मेंटेन करती है, किसके बीच में आर्मेचर कॉइल और ब्रशेस के बीच में, टू मेंटेन द कॉन्टेक्ट बिटवीन आर्मेचर कॉइल एंड ब्रशेस या ब्रश, समझ रहे हैं ना। और ये भी जान लीजिए एक से कनेक्टेड है, अगर आर्मेचर कॉइल घुमाएंगे तो स्लिप रिंग्स भी घूमेगी अपने एक्सिस के अराउंड या अपने एक्सिस के अराउंड, समझ रहे हो ना। बोलिए ये तो हो गया, चलिए ठीक अब ये इतना हो गया, ये हो गया कंस्ट्रक्शन यानी कैसे बनेगा इसका डायग्राम, कैसे बनेगा तो ऐसे डायग्राम बनेगा, आप बिल्कुल ऐसे ही बनाइएगा अपनी कोर्स कॉपी में, है ना। हाँ ऐसे बना लीजिएगा, बिल्कुल सेम टू सेम बना लेंगे, बिल्कुल सही है, ऐसे एग्जाम में बनाना। कितने पार्ट्स हैं, मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से लगे होते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। अब इसमें देखो इंटरनल एक्सटर्नल सर्किट क्या है, एक्सटर्नल सर्किट क्या है, एक्सटर्नल सर्किट ये वायर देख रहे हो, ये वायर और ये गैल्वेनोमीटर और ये देखो ये ब्रश, ये क्या है इमूवेबल पार्ट, ये मूव नहीं होता, ये मूव नहीं होता, बाकी आर्मेचर कॉइल और स्लिप रिंग्स क्या होती है ये घूमती है, ये मूव करती है, ठीक है। तो चलिए ये आपने देख लिया क्या कंस्ट्रक्शन भी कर लिया, कैसे बनेगा, कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं वो भी हमने मेंशन कर दिया, इसका क्या काम होता है थोड़ा थोड़ा ये भी बता दिया, आर्मेचर कॉइल का काम क्या होता है घूमना, आर्मेचर कॉइल क्या होगा घूमेगा उसको हम लोग घुमाएंगे, और फील्ड मैग्नेट्स क्या है मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं, और स्लिप रिंग्स क्या है स्लिप रिंग्स तो कॉन्टेक्ट मेंटेन करती है, बोलो। और ब्रशेस क्या है ब्रशेस क्या करते हैं ब्रशेस भी कॉन्टेक्ट मेंटेन करते हैं, और आर्मेचर कॉइल में जो करंट इंड्यूस होता है उसको एक्सटर्नल सर्किट में सप्लाई करते हैं कौन ब्रशेस, ठीक है। चलिए इतनी चीजें आप जान लें, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे वर्किंग पे आते हैं, ये आर्मेचर कॉइल या जो आपका एसी जनरेटर है ये काम कैसे करता है, ठीक है। इतनी चीजें आप नोट कर लीजिएगा, अब चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं वर्किंग पे, ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं, कंस्ट्रक्शन भी हो गया आपका, अब आते हैं हम लोग वर्किंग पे, ये काम कैसे करता है एसी जनरेटर जो कैसे काम करेगा, कैसे मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा उसको भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अभी देख लेते हैं सीखने के लिए काफी, चलो देखिए इसकी बात करेंगे हम लोग थर्ड स्टेज पे आ गया, प्रिंसिपल आपने कर लिया, कंस्ट्रक्शन आपने कर लिया, लास्ट थर्ड वाला स्टेज आया आपका वर्किंग, ये काम कैसे करता है डायग्राम आपके सामने हम आपको बता दे रहे कैसे काम करता है। देखिए जब भी यहां देखिए हमने क्या किया है यहाँ पे आपको डायरेक्शन भी दिखाया है कि इसमें हम घुमा रहे हैं किस डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, अब इस आर्मेचर कॉइल को हम क्या कर रहे हैं इसको ऐसे घुमा रहे हैं ऐसे घुमा रहे हैं ऐसे घुमेगा तो ये कौन सा डायरेक्शन आप बताओ कौन सा डायरेक्शन है एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, यदि हम आर्मेचर कॉइल को एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे देखो ऐसे घूम रहा है देख रहे हैं ऐसे घूम रहा है ऐसे देखो जब ऐसे घूमेगा तो इस तरह से क्या होगा घूमेगा तो ये भी ऊपर आएगा और सीडी कहाँ जाएगा नीचे जाएगा और क्या ये है मान लीजिए एंटी क्लॉक वाइज इसको घुमा रहे हो ऐसे घुमा रहे हो देख रहे हो ऐसे घुमा रहे हो ऐसे घुमा रहे हो मान लीजिए ए बी है सीडी जब एंटी क्लॉक वाइज ऐसे घुमा रहे हो तो क्या होगा ए बी ऊपर जाएगा सीडी नीचे चला जाएगा ऐसे ए बी ऊपर सीडी नीचे तो ए बी ऊपर आएगा सीडी नीचे आएगा तो यहाँ पे देखिए आपको पता लग गया कि जब हमने ए बी सी डी आर्मेचर कॉइल को यहाँ पे शॉक्स लगी हुई है समझ लीजिए हैंडल लगा हुआ उसको हम एंटी क्लॉक वाइज घुमाते हैं एंटी क्लॉक वाइज हम घुमा रहे हैं जब घुमाएंगे तो आर्मेचर कॉइल क्या होगा ए बी वाला पोर्शन ये वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा सीडी वाला नीचे चला जाएगा। अब फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हम पता कर सकते हैं कि ए बी पे जो करंट इंड्यूस हो रहा है उसका डायरेक्शन क्या है
पता कर सकते हैं ना। चलिए थोड़ा सा देखते हैं, हमने क्या किया था, इसको घुमाया था एंटी क्लॉकवाइज, जब हमने एबीसीडी आर्मेचर कॉइल को घुमाया, एबी ऊपर गया सीडी नीचे गया। यहां लिख दे रहे हो एबी कहां गया बेटा, एबी गया ऊपर, एबी कहां गया ऊपर, लिख दे रहे हैं अपवर्ड, एबी कहां गया ऊपर गया अपवर्ड, और सीडी कहां गया, सीडी तो नीचे जाएगा, सीडी नीचे गया डाउनवर्ड, सीडी कहां गया डाउनवर्ड गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना। अब देखिए एबी ऊपर आया सीडी नीचे आया, यानी कि जो आर्मेचर कॉइल का मोशन हो रहा है वो एबी पे कहां हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है, एबी पे कहां हो रहा है ऊपर की तरफ हो रहा है, सीडी पे कहां हो रहा है नीचे की तरफ हो रहा है, है ना। तो जो करंट इंड्यूस होगा एबी वाले पोर्शन पे उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो उसको हम लोग इससे पता कर सकते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से। तो अब यहां पे देखिए आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड का, तो आपको पता ही मैग्नेटिक फील्ड कहां, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, और आपका जो फोर्स है आपका जो मोशन हो रहा है यानी जो आर्मेचर कॉइल का मोशन हो रहा है कहां हो रहा है ऊपर की तरफ हो रहा है, कहां हो रहा है ऊपर की तरफ हो रहा है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग आपको पता है हम लोग क्या करते हैं, अपने तीन फिंगर थंब को, इंडेक्स फिंगर को और मिडिल फिंगर को विजुअली परपेंडिकुलर अरेंज कर लेते हैं। थंब रिप्रेजेंट करता है मोशन को यानी कंडक्टर के मोशन को, और इंडेक्स फिंगर क्या इंडिकेट करती है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, और हमारी मिडिल फिंगर क्या इंडिकेट करती है इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को। तो इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को अगर हमें एबी वाले पोर्शन पे पता करना है तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड सॉरी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का यूज करें, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ये देखो राइट किया है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन था नॉर्थ से साउथ, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और मोशन कहां हो रहा है, मोशन किधर की तरफ हो रहा है, मोशन तो हो रहा है ना ऊपर की तरफ, यानी एबी वाला पोर्शन कहां है ऊपर की तरफ आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो नॉर्थ से साउथ, हमारी इंडेक्स फिंगर कहां है नॉर्थ से साउथ यानी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन, और आपको पता है मोशन किधर की तरफ हुआ कंडक्टर का ऊपर की तरफ, तो देखो थंब हमारा क्या दिखा रहा है मोशन दिखा रहा है, थंब मोशन दिखा रहा है ऊपर की तरफ, और यहां पे हमारी जो मिडिल फिंगर है वो क्या दिखा रही है, वो दिखा रही है कि फोर्स जो लगेगा इसके एबी वाले पे वो इनवर्ड लगेगा, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, और जब आर्मेचर कॉइल हमने घुमाया ऐसे घुमाया एबी ऊपर आया यानी एबी वाले पोर्शन पे फोर्स कहां लगा ऊपर की तरफ लगा, कहां लगा है ऊपर की तरफ लगा, तो यहां पे देखो थंब रिप्रेजेंट कर रहा है मोशन ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ है, तो हमारी मिडिल फिंगर जो है वो बता रही है कि एबी पे जो एबी में जो करंट इंड्यूस होगा वो कैसा होगा इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, एबी पे जो करंट इंड्यूस है उसका डायरेक्शन किधर होगा इनवर्ड होगा, इनवर्ड बेटा इनवर्ड का मतलब इनटू द बोर्ड इनटू द पेज यानी ऊपर की तरफ, अगर ये आपका जो यहाँ पे एसी जनरेटर रखा है ये अगर ऐसे रखा होगा यहाँ पे ऐसे रखा होगा आप ऐसे देख रहे हो टॉप व्यू देख रहे हो, अगर ओरिजिनल में रखा होता सचमुच में रखा होता तो ऐसे रखा होता है ना, अब ऐसे रखा होता तो इसमें क्या करते हैं जब इसमें डायरेक्शन पता करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे ही आ रही है, और यहाँ पे आपका क्या हो रहा है जो मोशन हो रहा है ऊपर की तरफ हो रहा है, मोशन ऊपर की तरफ हो रहा है तो करंट जो इंड्यूस हो रहा है उसका डायरेक्शन क्या होगा इनवर्ड होगा, यानी ऐसे की तरफ, अगर मोटर ऐसे रखी होती मोटर नहीं सॉरी जनरेटर अगर ऐसे रखा होता तो करंट कैसे जाता ऐसे जाता, ऐसे जाता यानी ए टू बी जाता, क्या जाता ए टू बी, समझ रहे हो ना, राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग देख रहे बिल्कुल सिंपल था है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कंडक्टर के मोशन का डायरेक्शन, तो हमारी मिडिल फिंगर क्या बता रही है इंड्यूस करंट के डायरेक्शन, अगर ए जनरेटर ऐसे रखा होता सचमुच का रखा होता, अब यहाँ बोर्ड पे आप बोर्ड पे देख रहे हो तो आपको क्या लग रहा है इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कैसा है, देखो इनवर्ड यानी इनटू द बोर्ड, इनटू द बोर्ड एबी पे इनटू द बोर्ड, यानी कि अगर ये ऐसे रखा होता तो कैसे लगता ऐसे लगता ऐसे लगता, यानी ए टू बी लगता, ए टू बी लगता, लगता नहीं लगता बिल्कुल ए टू बी लगता। यहाँ पे हमें पता लग गया कि जो एबी वाले हैं एबी की बात करें एबी वाले पोर्शन की जो करंट है एबी वाले पोर्शन पे जो करंट का डायरेक्शन हमें कैसे लग रहा है हम लिख दे एबी वाले पोर्शन पे जो करंट का डायरेक्शन है किधर होगा किधर की तरफ ए टू बी ए टू बी किस पे हम लिख दे ऑन किस पे एबी वाले पोर्शन की बात कर रहा है ठीक है करंट आई एक्स करंट यानी करंट का डायरेक्शन जो होगा ए टू बी होगा ए टू बी होगा ठीक है। अब उसके बाद ए टू बी करंट का डायरेक्शन ए टू बी ए से बी में गया करंट बोलो अब आप कहोगे सर करंट कहां से आया तो करंट बेटा इंड्यूस हो रहा है क्या करेंगे आर्मेचर कॉइल को घुमाएंगे जब घुमाएंगे क्या होगा फ्लक्स चेंज होगा फ्लक्स चेंज होगा तो आर्मेचर कॉइल के अंदर क्या होगा करंट इंड्यूस होगा और करंट इंड्यूस जो हो रहा है उसी का डायरेक्शन हमने फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से पता किया एबी वाले पोर्शन से तो हमें पता लगा कैसे जा रहा है ए टू बी जा रहा है करंट का डायरेक्शन कैसा है ए टू बी जा रहा है ठीक है ए टू बी गया उसके बाद बी टू सी जाएगा उसके बाद सी टू बी आएगा तो आपको पता है जब हमने आर्मेचर कॉइल घुमाया था तो एबी ऊपर आएगा सी डी नीचे जाएगा अब हम सी डी पे देख लेंगे करंट पे देखेंगे सीडी पे देखेंगे करेंगे ठीक है ना।
क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे ही देखना है, क्योंकि यहाँ पे तो नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। यहाँ पे देखो बीसी क्या है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में, तो वहां पे जो करंट इंड्यूस होगा उसकी हम बात नहीं करेंगे, हम केवल बात करेंगे ये वाले पोर्शन पे और सीडी वाले पोर्शन पे, ठीक है ना। चलिए देखिए अब यहाँ पे सीडी वाले पोर्शन की अगर बात करें तो सीडी वाला पोर्शन कहाँ गया था, नीचे गया था। सीडी वाला पोर्शन कहाँ गया था, नीचे गया था। सीडी वाला पोर्शन अगर नीचे गया था तो इसलिए आप चेक करिए कि सीडी वाले पोर्शन पे जो इंड्यूस करंट है उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा। उसके लिए भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और सीडी कहाँ जा रहा है, नीचे, मोशन कहाँ हो रहा है, नीचे हो रहा है। देख रहे हो आप ऐसे करते देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और मोशन कैसा हो रहा है सीडी पे, सीडी में मोशन हो रहा है नीचे की तरफ डाउनवर्ड, तो मोशन हमारा वहां दिखा रहा है डाउनवर्ड। तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या दिखा रही है, इंड्यूस करंट के डायरेक्शन, यानी करंट जो होगा आउटवर्ड होगा, यानी सी टू डी होगा। अगर ये जनरेटर ऐसे रखा होगा तो ऐसे करंट का डायरेक्शन ऐसे, यानी सी से डी। यहाँ पे हम करंट का डायरेक्शन सीडी वाले पे क्या होगा, करंट का डायरेक्शन आप बताइए, करंट का डायरेक्शन क्या होगा, सी टू डी होगा भाई, ए टू डी है उसके बाद सी टू डी, सी टू डी किस पे, ऑन सीडी पे, यानी सीडी वाले पे जो करंट इंड्यूस करंट का डायरेक्शन होगा वो सी टू डी होगा, समझ रहे हो ना। यानी यहाँ पे क्या होगा ए बी सी डी, यहाँ पे क्या हुआ करंट का डायरेक्शन जो हुआ ए बी सी डी, ए बी सी डी ऐसे है। अब उसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहाँ पे जाएगा देखो एक सीरीज कहाँ जाएगा, एस टू में जाएगा, कहाँ जाएगा एस टू में, कहाँ लिखे इधर लिखे, अच्छे से समझ लीजिए, ये समझ लो गया तो आपको नोट्स भी मिल जाएगी। चलिए देखिए ना आपने तो करेक्ट कनेक्शन क्या देखा, आपने देखो यहाँ पे ए टू बी देखा, ए बी पे कैसा है ए टू बी, ए टू बी, उसके बाद बी टू सी, सी डी पे कहाँ देखा सी टू डी, अब ए टू बी बी टू सी सी टू डी यहाँ आया। अब उसके बाद सी टू बी आने के बाद देखो आर्मेचर कॉइल का ये वाला एंड कहाँ कनेक्टेड है, एस टू से कनेक्टेड है, यानी करंट कहाँ जाएगा एस टू में जाएगा। यहाँ पे देखो हम लिख दे रहे एस टू में, कहाँ यहाँ लिख दे रहे एस टू में गया, कहाँ गया एस टू में गया, एस टू से कहाँ गया बी टू में गया, बी टू से कहाँ गया बी टू से वायर में जाएगा, यानी एक्सटर्नल सर्किट में जाएगा, एक्सटर्नल सर्किट, बी टू से कहाँ गया एक्सटर्नल सर्किट में, एक्सटर्नल सर्किट से कहाँ जाएगा देखो बी वन में आएगा, एक्सटर्नल सर्किट से कहाँ आएगा बी वन में आएगा, बी वन से कहाँ जाएगा यहाँ पे देख लीजिए, बी वन से कहाँ जाएगा बी वन से एस वन में जाएगा, एस वन के बाद फिर ए बी, बी वन से एस वन में, एस वन के बाद फिर से ए बी सी डी, फिर से कहाँ जाएगा ए बी सी डी, यानी जो प्रोसेस है कंटिन्यू होगा, यानी प्रोसेस कंटिन्यू, ठीक है ना। देख रहे हो ना करंट कैसे क्या ए टू बी बी टू सी सी टू डी, यानी ऐसे ऐसे होता होगा, फिर कहाँ आया फिर आया एस टू में, एस टू से गया बी टू में, बी टू से एक्सटर्नल सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट से बी वन में, बी वन से एस वन में, एस वन से फिर से ए बी सी डी, यानी प्रोसेस आपका कंटिन्यू, प्रोसेस आपका कंटिन्यू चल रहा, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया हाफ रोटेशन, ये जो प्रोसेस बताया हमने ये हाफ रोटेशन है, यानी जो हाफ रोटेशन होगा इस आर्मेचर कॉइल का उसमें ऐसे ही करंट जाएगा, इसी तरह जैसे हमने बताया यहाँ पे जो यहाँ पे आपको चार्ट बनाया है ऐसे ही जाएगा, हाफ रोटेशन कंप्लीट हो गया, यानी आर्मेचर कॉइल एंटी क्लॉकवाइज जैसे जैसे हमने एंटी क्लॉकवाइज तो क्या हुआ कि हाफ रोटेशन हुआ, वो हाफ रोटेशन हुआ यानी इतना हाफ रोटेशन होता है इतना होगा। देखो ये रखा है आपने ना, अब देखो हाफ रोटेशन हुआ मतलब ये ऐसे था इतना हुआ, अभी पूरा नहीं हुआ, पूरा इतना नहीं हुआ, 360 नहीं हुआ, अभी हाफ ही रोटेशन हुआ, केवल हाफ इतना था बस इतना, ठीक ये प्रोसेस हो गया। अब इसके बाद हाफ रोटेशन के बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद देखेंगे हाफ रोटेशन कंप्लीट हो जाने के बाद, इतना समझ में आया आपको। चलिए हम लोग क्या करते हैं हाफ रोटेशन के बाद देखते हैं क्या हुआ, इसको मिटा देने, ठीक है इसको मिटा दे, चलिए इसको क्या किया हमने मिटा दिया। अब एक चीज देखिए मिटा दे रहे हैं मिटाया नहीं, अब हाफ रोटेशन हो गया तो आपको पता है आर्मेचर कॉइल कैसे एबीसीडी ऐसे थी ऐसे थी ऐसे हो गई, यानी ए बी इधर चला जाएगा बेटा सी डी इधर आ जाएगा, समझ गए ना, ए बी इधर आ जाएगा, देख रहे आप खुद ही देखो ऐसे रखा हाफ रोटेशन पूरा हो गया, तो ये जब एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमा तो 180 घूम गया, यानी हाफ रोटेशन कंप्लीट हो गया, ए बी इधर चला जाएगा, ए वाला पोर्शन इधर आ जाएगा, सी डी वाला पोर्शन इधर आ जाएगा, आएगा ना। चलिए तो यहाँ पे आ जाएगा बदल दे रहे हैं, इसको हम बदल दे रहे हैं, ए बी इधर आ गया और सी डी इधर चला गया, ठीक है ना। चलिए अब देखिए इसको मिटा देते हैं, हाफ रोटेशन के बाद देखते हैं करंट का डायरेक्शन कैसा होता है, हाफ रोटेशन के बाद इसको लिखा रहे मिटा दिया, यहाँ लिख दीजिए आपका हाफ रोटेशन,
डायरेक्शन जो आर्मेचर घूमने का डायरेक्शन वो कैसा है एंटी क्लॉकवाइज है। फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो इस बार क्या है सीडी कहां आ रहा, इस बार घूमेगा सीडी ऊपर आएगा ए भी नीचे जाएगा, इस बार क्या है उल्टा सीडी ऊपर आ रहा है ए भी नीचे जा रहा है, देख रहे हो ना। यहाँ पे जब ए बी की बात करेंगे ए बी की, चलिए पहले सीडी की बात करते हैं, इससे बात करते हैं पहले सीडी की, सीडी ऊपर आ रहा है ना, और सीडी ऊपर आएगा ए बी नीचे जाएगा है ना, क्योंकि ये क्या है इसकी बात कर रहे हैं आफ्टर हाफ रोटेशन, हाफ रोटेशन हो चुका है, देखो सीडी इधर आ गया ए बी इधर आ गया, अभी ए बी इधर था सीडी उधर था, अब हाफ रोटेशन हो गया तो बदल गया ना, यहाँ पे पोलरिटी बदल गई, सीडी इधर आ गया ए बी इधर चला गया है ना। चलिए अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखेंगे सीडी वाले पोर्शन पे, इस पे अगर हम देखते हैं जो इंड्यूस कर रहा है उसका डायरेक्शन क्या होगा, देख लीजिए इस बार क्या है देखिएगा मोशन जब एंटी क्लॉकवाइज हमने घुमाया है इसको क्या हुआ, इस बार सीडी कहाँ गया सीडी ऊपर आया है, सीडी ऊपर आया और ए बी नीचे गया है, लिख दीजिए इस बार सीडी ऊपर गया है और ए बी नीचे आया है, ठीक है सीडी ऊपर गया है तो मोशन कहाँ हो रहा है सीडी ऊपर की तरफ हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो ऐसे ही है, हमने ये देखिए अपना राइट हैंड का यूज किया, लेफ्ट राइट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे इंडेक्स फिंगर, कंडक्टर के मोशन के डायरेक्शन यानी आर्मेचर कॉइल के मोशन के डायरेक्शन में हमारा थंब, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या बता रही है इंड्यूस करंट के डायरेक्शन में बता रही है, यानी सीडी पे जो करंट इंड्यूस हो रहा है वो कैसे हो रहा है डी टू सी, यहाँ पर लिख दे रहे डी टू सी यानी डी से सी में जा रहा है, लिख दे रहे करंट का डायरेक्शन जो है वो कैसे जा रहा है डी टू सी, करंट जो जा रहा है डी टू सी जा रहा है, इसपे और सीडी सीडी वाले पोर्शन पे, ठीक है हाँ डी टू सी गया, उसके बाद सी टू बी जाएगा, फिर हम चेक करेंगे कहाँ पे बी टू ए पे चेक करेंगे, बी टू ए यानी कि बी ए पे चेक करेंगे, बी ए पे चेक करो आपको पता है मूव करा है बी ए कहाँ गया ये नीचे गया है, यानी मोशन ऑफ कंडक्टर कहाँ है वो नीचे की तरफ है, तो मोशन ऑफ कंडक्टर कहाँ करेंगे हम लोग नीचे की तरफ कर लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ है, तो हमारी जो मिडिल फिंगर है बड़ी वाली फिंगर है वो इंड्यूस करंट के डायरेक्शन कहाँ बता रही है आउटवर्ड बता रही है बाहर की तरफ बता रही है, कहाँ बता रही है बाहर की तरफ, यानी बी टू ए आएगा करंट यहाँ पे बी टू ए, करंट यहाँ पे बी टू ए आएगा किसमें ऑन ए बी, ए बी पर ए बी पे करंट कैसा जाएगा बी टू ए पे जाएगा बी टू ए, देख रहे हो अब यहां पे देखिए तो करंट जो हो गया वो आपका कैसा हो गया डी सी बी ए, अभी क्या था डी सी बी ए हो गया डी सी बी ए, देख रहे हो डी सी बी ए हो गया, ठीक है ना।